जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल छोरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। दोस्तों, हाल फिलहाल YouTube में बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है कि कैसे अपने व्यूज़ बढ़ाएं, कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएं, रातों रात 1000 क्रॉस कर जाएं या रातों रात व्यूज़ 10000 क्रॉस कर जाएं। दोस्तों, ये सारी बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स करने पड़ते हैं। आप चाहे कितना भी टिकड़म अपना लें, ट्रिक्स एंड ट्रिक अपना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक लोगों को आपका वीडियो पसंद ना आए। हालांकि दोस्तों, कुछ कुछ ट्रिक्स सही हैं, जैसे कि टैग्स में आप ध्यान दें, थंबनेल्स में आप ध्यान दें, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं उस चीज़ में बहुत ही ध्यान दें, तो इससे आपका जो वीडियो है वो सर्च इंजन में बहुत ही जल्दी आएगा। की बात रही दोस्तों टिकड़म की कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, लूम कीजिए, लहसुन कीजिए, फलाना ढिमक्का, तो इससे कुछ फ़र्क, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो है सारा फोकस है आपके वीडियो में, आपकी क्रिएटिविटी में है कि आप कितना अच्छा कंटेंट को दर्शकों के आगे पेश करते हैं और कैसा उनको वीडियो लगता है। आप चाहे कितना भी चिल्लाएं, भौंकें के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई नहीं करता दोस्तों। मैंने भी बहुत ट्राई किया, हालांकि मैं भी दोस्तों एक नया यूट्यूबर हूँ। मुझे यूट्यूब चैनल चालू किए लगभग 3 वीक हो चुके हैं, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ होगा। अभी मेरे करंटली 140 सब्सक्राइबर है, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। मैं भी यूट्यूब को, अपने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी बहुत सारे तिकड़म अपनाए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ऐसा किया, वैसा किया। दोस्तों, फाइनली कुछ घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ा मेरे चैनल पे। मुझे एक बात समझ में आ गई कि हालांकि जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता, उनका चैनल ग्रोथ, उन्होंने कंटेंट इतने अच्छे अच्छे रखे हैं कि उनका चैनल अपने आप ही ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो नए यूट्यूबर हैं और दूसरे यूट्यूब की बात सुन सुन के अपने चैनल का भाई जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उसे बिगाड़ रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप अपने हिसाब से अपने लेवल का सर्च कीजिए, अच्छे अच्छे टैग्स लिखिए ताकि सर्च इंजन में बहुत जल्दी आ जाए। और दोस्तों, मैंने भी बहुत ट्राई किया था, उल्टा सीधा उठ पटांग यूट्यूब पर सर्च मार मार के लिखा था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, जस्ट ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि आप अपने कंटेंट में फोकस कीजिए, टैग्स लिखते समय ध्यान रखिए, हो सके उतना थंबनेल अच्छा बनाइए ताकि लोगों को पसंद आए और वो वीडियो देखे और अपने आप ही वो आगे शेयर करें। दोस्तों, आपका कैसा भी चैनल हो, चाहे कुकिंग के रिलेटेड हो, टेक के रिलेटेड हो, ब्लॉग के रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, तो आप अपने कंटेंट पर पूरा का पूरा फोकस कीजिए, ना कि वीडियो बनाने से पहले यूट्यूब पर सर्च मारना चालू कर दीजिए कैसे अपना सब्सक्राइबर आए, ये बढ़ाए, वो बढ़ाए, लन फन, इस सब के ताम झाम के चक्कर में ना चलें। अगर आप सच्चे यूट्यूबर हो और आपको यूट्यूब में अपनी करियर बनाना है या यूट्यूब को आप पार्ट टाइम ही करियर मानते हो, तो पूरा फोकस अपने कंटेंट पे दें। मैं यही कहना चाहूँगा, बार बार मैं ये शब्द रिपीट कर रहा हूँ, कंटेंट पे दें, क्योंकि जब तक किसी को वीडियो पसंद नहीं आएगा तब तक वो ना तो शेयर करेगा, ना ही सब्सक्राइब करेगा और ना ही किसी और को भेजने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके वीडियो के थ्रू उन लोगों को कोई मैसेज जाना चाहिए या कोई सीखने वाली चीज़ मिलनी चाहिए, तो ही वो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। बस दोस्तों, यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर